वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस अभी सुबह के लगभग पौने 6 के आसपास का टाइम हो रहा है, मतलब 5:30 अभी टाइम हो रहा है यार। अभी सबसे लेट मैं उठा हूँ क्योंकि आज बकरीद वाला दिन है यार, तो लेट से सोया था तो उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया और घर में सबको उठ चुके हैं यार। तो अभी चलते हैं क्या ना, फटाफट से अभी नहाना है क्योंकि फिर नमाज पढ़ने भी जाना है, तो क्योंकि यार लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आज बकरीद का दिन है। तो इसीलिए फिलहाल अभी जा रहे हैं भाई नहाने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट उठे हैं यार। जस्ट उठ के थोड़ा सा ब्रश व्रश कर लेते हैं फटाफट से, फिर नहा के मिलते हैं आप लोगों से। क्या हुआ? टीवी नहीं चल रहा है? तो तुम सुबह सुबह उठ के ये कुर्ता पजामा, तो गाइस देख सकते हो ये सुबह सुबह उठ गया, नहा भी लिया है और कुर्ता पजामा और टोपी पहन के पलंग पर मस्त लेट के टीवी देखने का इंतजार में लगा। बट हुआ क्या ना कि अभी नेट नहीं आ रहा है, तो पता नहीं नेट क्यों नहीं आ रहा। मोबाइल में तो नेट आ रहा है, मोबाइल तो चल रहा है हर्षद, तो मोबाइल में तो नेट आ रहा है, इसमें टीवी में क्यों नहीं नेट आ रहा भाई? देखते हैं थोड़ा। तो यार अब क्या है ना, बहुत देर वेट करने के बाद टीवी चल गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। डायरेक्ट मेरा टीवी है ना ये राउटर से कनेक्ट है, पासवर्ड में इसमें डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट राउटर से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो पता नहीं नेट नहीं आ रहा था। अभी फिलहाल नेट आने लगा है और ये नहा के मस्त रेडी है और अभी वो उठी है उसको, और वो मस्त मेहंदी भी लगाई है हाथ में। तो देखिए इसका मेहंदी, ये मेहंदी लाल का ही नहीं हुआ जी तुम्हारा? ये वाला तो नहीं हुआ है, ऊपर इस साइड तो एकदम नहीं हुआ है। पतली सी गली होकर जाना पड़ता है ईदगाह के लिए भाई, और सामने दिख रहे हो कितने लोग कंटिन्यू जा रहे हैं भाई ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए। मैं भी जा रहा हूँ भाई ईदगाह नमाज अदा करने के लिए। तो क्यों 6:30 हो चुका है और टाइम 7 बजे का नमाज का टाइम है, फिलहाल चलते हैं फटाफट नमाज पढ़ लेते हैं भाई। ईद की नमाज हो चुकी है यार डन, और फिलहाल गाइस काफी धूप हो चुकी है, नमाज पढ़ ली, अभी निकल रहे हैं घर के लिए यार। और देख सकते हो नमाज पढ़ के सब नमाजी जा रहे हैं घर के लिए भाई, और देख सकते हो यार हमारे घर पे कितनी बढ़िया बढ़िया नरम नरम फूली फूली कचौड़ी बन रही है। और किचन में बहुत गर्मी था तो यार फैन लगाया है यहाँ पे, अब थोड़ा सा राहत है क्योंकि भाई किचन में इतना गर्मी होता है ना, यहाँ पे गरम गरम पूरी छना रही है, आप देख सकते हैं भाई। तो चलते हैं फटाफट से खा लेते हैं, भूख काफ़ी तेज लगा सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और इधर भाई मटन अपना रेडी हो रहा है, तो मस्त अभी चलेगा नाश्ता में पूरी और मटन, तो काफ़ी तेज भूख लगा हुआ है, बढ़िया खाना और भूख और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस ऐसा हुआ ना यार कि इतना ज़्यादा थक गए ना भाई, गए और वहाँ पर जाकर तो काम कंप्लीट किया यार। बकरीद का दिन था तो कुर्बानी वाला दिन था, उधर मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद भाई ऐसा नींद आया गाइस कि क्या बताया यार। तो अभी जस्ट सो कर उठे यार, तो चलो चलो खाना खा लो। अरसद तुम फिर वही चीज़ देख रहे हो, चलो चलो खाना खा लो अरसद, चलो ये दिन भर यही देखते रहता है क्या फालतू सा चीज़ है, और दिन भर वही लगाकर एक चीज़ को ये देखते रहता है क्या मालूम, माइनक्राफ्ट 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 इसका हमेशा वही चलते रहता है। गाइस मस्त यार यहाँ पे पुलाव देख सकते हैं, सैलेड भी है, दही भी है, और चिकन अपना सॉरी मटन अपना आ रहा है, लाइए मटन। इतने देर बैठे बैठे वेट का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं बैठे बैठे यार। अभी क्या है ना, अभी साइकिल आया था भाई ऑनलाइन, तो अभी इसको असेंबल करने वाले हैं, और ये साइकिल है इस लड़की का, इसका नाम है जारा। तो फिलहाल कुछ इस तरह का साइकिल है, तो इसे पूरा असेंबल करना है तो काफी टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट्स इसका जो ना अभी निकाल लेते हैं बाहर। छोड़ो फुरकान निकालेगा, हटो हटो तुम हटो ना, फुरकान निकाल लेगा। ये बाहर आ गया, पूरा असेंबल करना पड़ेगा इसको, और कुछ क्या क्या है। तो गाइस कुछ साइकिल है और साइकिल के अंदर ये कुछ, एक मिनट हटो ना हटो ना, ये क्या है? तो ये साइकिल का मेडिगार्ड हो गया भाई, और ये हो गया बैक रेस्ट हो गया, और ये इसका फ्रोक हो गया, फ्रोक हो गया। तो फिलहाल अब कुछ भी नहीं है तो इसको साइड कर देते हैं अभी।
गाइस ये कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया है इसे असेंबल करने के लिए, तो फिलहाल मुझे तो लगता है कि इससे सारा काम हो जाना चाहिए और पूरा पार्ट पार्ट अलग अलग है, तो सारे को अभी क्या असेंबल करना है एक एक करके, इसको अभी जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो फटाफट से करते हैं भाई असेंबल इसको। काफ़ी मेहनत करने के बाद है ना, अभी साइकिल जाके भाई एकदम पूरा फिनिश हो चुका है, सारा असेंबल हो चुका है। और एक साइकिल यहाँ पे देख सकते हो भाई, एक्स्ट्रा एक साइकिल यहाँ पे आ चुका था। ये साइकिल है भाई अरशद का और ये साइकिल है जारा का, तो ये है अफान जारा का भाई। और अभी इसका रैपिंग उतारना, फिर इसमें हवा डलवाना है। क्या भाई, अभी सबसे फाइनल काम इसका रैपर उतारना है, जो कि साइकिल एकदम फिनिश असेंबल हो चुका है और एक साइकिल एक्स्ट्रा यहाँ पर आ चुका है जो मैंने पहले दिखाया। तो अभी इसका टेस्ट ड्राइव भी लेने जाएगी जारा, तो अभी फिलहाल इसका रैपिंग उतार देते हैं। गति एक्सप्रेस से अपना सामान भी आ चुका है, दिल्ली से यहाँ लोग शिफ्ट हुआ था यहाँ, तो सारा सामान अभी भाई कुरियर आया है, तो इसको जल्दी से उतारना है भाई। फटाफट से ऑटो को भी खाली कर लेते हैं यार, काफ़ी सारा सामान है इसमें, सारे सामान को अभी शिफ्ट करना है यहाँ पे। अभी सारा सामान भाई ऑटो से उतार लिया है, कुछ सामान इधर है कुछ सामान उधर रूम में रखा हुआ है यार। काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा देर लगा, मगर पैकिंग इतनी बढ़िया थी यार, मतलब काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग करके भेजा गया था भाई सामान को, तो काफ़ी अच्छे से सेफ से भेजा गया था। और सारा सामान का पैकिंग अभी मैंने उतार लिया है, अभी मस्त यहाँ पर सारा कुछ रखा हुआ है और फिलहाल अभी सबको सेट करना धीरे। तुम चला लेते हो क्या इसको? अरे चलो कल इसको लेके चलेंगे उधर खाली रोड पर, कल हम भी सीखते हैं इसको चलाने के लिए। इतने बड़े हो गए हैं, सीखना भी नहीं है। ऐसे ही चलो, चलो बताते हैं। तुम तो और चला लोगे, और है चला लोगे तुम मेरी बात पे? ले तुम बैठ के चला रहे हो? नहीं ऐसे, अरे उसको खड़े होकर चलाना है। हटो हम चलाएंगे, हटो हटो हटो। नहीं चलेगा किसी से भाई, नहीं चल रहा, काफी ट्राई किए चलाने के लिए। शाम का टाइम है यार, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और क्या मौसम हो रखा, सही सा मौसम है भाई। तो अभी निकालते हैं फटाफट से बाइक, तो एक काम करते हैं आज बाइक खुद से, आज बाइक सदा को निकालने के लिए देते हैं, देखते हैं उससे बाइक निकलता है या नहीं। नहीं कुछ कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, देखो ना ट्राई करो ना, तुमसे निकलेगा, लो चाबी लो। और इससे पहले कभी नहीं इस बाइक को बाहर निकाला, तो देखते हैं कि कितना मुश्किल होता है इसको बाइक निकालने में, या फिर आसानी से निकाल लेता है। बैग लाओ, रुको टकराएगा टकराएगा, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बैठ जाओ बैठ जाओ, उसे बैठ जाओ, बैठो ना तुम इस पे भाई। इतना बड़ा भी गाड़ी नहीं है। अरे अपाचे नाम पता है तुमको गाड़ी का? बैठो बैठो तुम, बैठो तुम, बैठो यार, तुमसे गाड़ी ना हो पाएगा। बज रहे भाई 11 और अभी आ चुके हैं गांजेपी सेतु ब्रिज पे, जो कहलाता है मरीन ड्राइव। तो काफ़ी लोग हैं भाई, रात का टाइम था तो अचानक से प्रोग्राम बन गया कि भाई इधर घूमने का, और उधर पीछे में काफ़ी लोग पीछे में हैं और हम उजैफा भी आगे आ चुके हैं, तो अभी प्लान है और आगे जाने का। तो अभी थोड़ा सा उतर के भाई इस साइड पे घूम रहे हैं, और रात का जो व्यू है ना यार काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए, जो मज़ा आता है भाई। मतलब एक्चुअली आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई कि आप मरीन ड्राइव, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। कुछ देर पहले बारिश हुई थी, मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, और ये पूरा गंगा का एरिया देख सकते हो, और रात में कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे मिलता है। तो फिलहाल अभी कार हमारी पीछे लगी हुई है, हाँ हम देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं तुमको, वो तुम्हारा नौटंकी देख रहे हैं। तो भाई हामिद कार लेके बदमाशी में आगे चला गया है। बहुत जल्दी रुक गए हामिद, दिखे नहीं थे क्या? घूमते यार अभी आ चुके हैं भाई पटना के नए मॉल में, खुल रहा है यहाँ पर अंबुजा निटोला, पता नहीं कौन सा मॉल है, मॉल का तो नाम मुझे पता नहीं, शायद मॉल का नाम है यार सिटी सेंटर, तो पता नहीं था भाई। अभी घूमते घूमते आ चुके यार, काफ़ी खूबसूरत सा मॉल बन रहा है गाइस, देख सकते हो यार क्या खूबसूरत सा मॉल पटना में बन रहा है, काफ़ी मज़ेदार है यार।
गाइस यहाँ पर देख सकते हो यार अभी रात हो चुका है तो फिलहाल अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। सामने घड़ी भी लगी है, टाइम देख सकते हो कि भाई 11 बज रहा है। और शॉपर स्टॉप यानी सिटी सेंटर अब पटना में भी है, तो भाई जिस दिन ओपनिंग होगा ना यार मज़ा आएगा भाई। काफ़ी खूबसूरत सा मॉल, काफ़ी बढ़िया मॉल बना हुआ गाइस। तो यार चलते हैं अपनी गाड़ी क्योंकि बारिश भी होने हो रही है धीरे धीरे, काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो निकलते हैं यार यहाँ से अभी। चलो बारिश आ गया, बारिश आ गया, जल्दी 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 जल्दी। यार घर पे आ चुके हैं भाई, काफी देर हो गया उधर घूमे भाई, मस्त घूमे, बारिश भी आ चुकी थी, काफी ज्यादा मजा आया यार। ज्यादा तो रात हो चुका था काफी यार, तो काफी ज्यादा मजा आया घूम के। फिलहाल घर पे आ चुके हैं यार, बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और भूख भी काफी तेज लगी थी, तो सारी दुकानें भी बंद हो रखी थी, कुछ खाया भी नहीं उधर यार। तो अभी आ चुके घर पे यार, मस्त आज खाने में है यार लिट्टी और चोखा। तो फिलहाल अभी लिट्टी दिखा देते हैं भाई, सब कोई तो खा चुका है भाई। आज घर से बाहर से लिट्टी लेके आए थे, मस्त लिट्टी पे घी लगा हुआ है और खाने में आज चोखा और लिट्टी देख सकते हो। और लिट्टी एकदम गर्मा गर्म है, एकदम घी लगा हुआ लिट्टी, और ये रहा अपना चोखा। तो फिलहाल को ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि घर पर यार सब कोई सो चुका है, बस मैं ही जाग रहा हूँ। और रात का टाइम हो रहा है और अब लगभग 12:30 का टाइम हो रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तो फटाफट से खाना को ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।